जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट नॉट इन्फेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसका सब्सिक्वेंट डिमोलिशन ये क्रिमिनल एक्ट है और नेशनल शेम है। और आज प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक टाइटल सूट था तो सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए और ये करिए। तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। प्रधानमंत्री आज हाउस के अंदर ये बात भी कह रहे थे कि मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं वो भारत निर्माण में उनका सहयोग है। और प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर चले थे नरेंद्र मोदी, हम वो भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री खुद अडवाणी की रथ यात्रा को लेकर आगे बढ़े थे, हम कैसे भूलें वो, हम कैसे भूल जाएं 6 दिसंबर को मस्जिद की डिमोलिशन हुई, हम कैसे भूल जाएं कि उसमें मूर्तियां रखी गई थी 1948 में दिसंबर में, और फिर ताले खोले गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जिनके ऊपर केसेस चल रहा है, अडवाणी के ऊपर आपने पद्मश्री दे दिया उनको, तो ये कैसे हम भूलेंगे। तो फैक्ट है ना, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डिमोलिशन को याद रखेंगे, अपनी मस्जिद को याद करते रहेंगे और हम हमारी नस्ल को बताएंगे कि इस जगह पर 500 साल तुम्हारी मस्जिद थी जिसको इन्होंने क्रिमिनल तरीके से डिमोलिशन किया और ये नेशनल शेम है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चुनाव से पहले ये घोषणा हुई है। अब यही तो है ना कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पिरिट भी तो मानना पड़ेगा बीजेपी को। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में।